Hello students, good morning to all. Welcome to my class in standard 4th English 2, unit number 12, gender. Okay? तो last video में हमने ये unit में learn किया कि कैसे feminine gender का जो noun, कैसे masculine gender का जो noun हो, उसमें से हम feminine gender का noun कैसे form कर सकते हैं उसकी three ways से जो हमने learn किए. तो उसमें पहला जो था EWS masculine जो noun हो होते हैं उसमें EWS add करने से उसका feminine form हो जाता है. जैसे कि lion है तो lion का हो जाएगा lionish. okay? वैसे दूसरा जो way था उसमें क्या था, different word. masculine word होता है उसका feminine है वो different ही होता है, अलग ही होता है. जैसे कि boy है, boy का feminine करेंगे तो क्या हो जाएगा, girl, जो एकदम ही अलग है, जैसे कि फादर है तो उसका हो जाएगा मदर. ओके, और जो थर्ड वे था वो था कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन हो, मस्कुलाइन हो, उसका फेमिनाइन में कैसे चेंज करना है, फेमिनाइन बनाना है, तो उसमें आपको बताएंगे. कंपाउंड नाउन में टू या थ्री वर्ड्स का एक नाउन बनता है. तो जो कुछ जो नाउन है कंपाउंड नाउन, उसमें बिफोर जो वर्ड होता है उसमें चेंज करने से उसका फेमिनाइन बनता है. और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आफ्टर जो वर्ड होता है उसमें चेंजेस करने से उसका फेमिनाइन बनता है. जैसे कि ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर आफ्टर वर्ड है फादर, उसको हम चेंज करेंगे मदर में तो उसका फेमिनाइन बन जाएगा, ग्रैंडफादर का हो जाएगा ग्रैंड मदर, है ना. ऐसे आपको कंपाउंड नाउन का भी हमने सीखा. अब आगे है वो प्रोनाउन से रिलेटेड नॉट है, वो भी आपको अच्छे से लर्न करनी है और याद भी रखना है कि अगर कोई भी मैस्कुलाइन नाउन हो उसके बदले हम अगर प्रोनाउन यूज करते हैं तो मैस्कुलाइन नाउन होगा और सिंगुलर नाउन होगा तो हम ही यूज करेंगे. फिर कोई भी सिंगुलर फेमिनाइन नाउन होगा तो उसके बदले हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो उसके बदले हम सी यूज करेंगे. और जब न्यूटर नाउन होगा और सिंगुलर होगा तो हम क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे. वो आपको याद रखना है कि मैस्कुलाइन नाउन होगा तो उसका प्रोनाउन हमें सी या इट नहीं लिख सकते, उसके लिए हम ही यूज कर सकते हैं. ओके, तो वो अभी मैं नॉट यहाँ पे लिख रही हूँ, वो आप अपनी बुक में लिख लो. It is used instead of
एग्जाम्पल्स दे देंगे ओके। पहले इसके बारे में और कुछ हम
तीनों के तीनों सिंगुलर के लिए यूज होते थे, है ना। सिंगुलर हो तो ही हम ई सी और इन यूज करिए, लेकिन यहाँ पे अगर द किंग्स है ना, तो किंग्स हो तो उसका प्लूरल तो दे होगा, है ना। ई सी ई तीनों का प्लूरल दे होगा, सो दे है वो तीनों के लिए यूज होगा, क्योंकि ई सी और इन तीनों का प्लूरल दे ही होता है, इसलिए दे। और जो देव जो प्रनाउन है, कौन सा प्रनाउन, दे दे जो प्रनाउन है वो फेमिनाइन, मैस्कुलाइन एंड न्यूट्रल तीनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो वो भी हम नोट कर लेते हैं। द प्रनाउन्स जैसे कि द प्रनाउंस दे देम दे मे बी फेमिनाइन मैस्कुलाइन और न्यूट्रल, कैसे, क्योंकि ये तीनों का अगर तीनों के तीनों प्लूरल में हो गए, है ना, तो प्लूरल नंबर में हो गए तो तीनों के लिए हम दे यूज कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे द बॉयज हैव जस्ट रिटर्न्ड होम, बॉयज हैव जस्ट रिटर्न्ड होम, दे मस्ट बी हंग्री, गिव देम समथिंग। यहाँ पे है द बॉयज, नाम कौन सा है, द बॉयज है वो मेन पर्सन होते हैं, यानी मैस्कुलाइन नाउन है, लेकिन कैसा है, बॉयज है, प्लूरल नंबर में है, इसीलिए इसके प्रनाउन हमने यहाँ पे यूज किया दे। क्या यूज किया, दे, यहाँ पे ही यूज नहीं किया, क्योंकि बॉयज है वो प्लूरल नंबर में है, इसलिए सिंगुलर नंबर में हो तो ही हमें उसका प्रनाउन ही, हिम और हिज यूज कर।
गर्ल्स के बारे में ही दूसरे सेंटेंस में बात हो रही है, इसलिए द गर्ल्स है वो कैसा है, फीमेल पर्सन है, इसलिए फेमिनाइन नाउन है, लेकिन फेमिनाइन प्लूरल फेमिनाइन नाउन है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या यूज हुआ, आस्क देम यानी गर्ल्स के लिए यूज हुआ है दे, दूसरा क्या यूज हुआ दे, दोनों के दोनों गर्ल्स के लिए यूज हुआ। यहाँ पे भी दे है वो मैस्कुलाइन के लिए यूज हुआ था, यहाँ पे जो दे और देम है वो फेमिनाइन नाम के लिए यूज हुआ। तो दे वो मैस्कुलाइन फेमिनाइन और न्यूट्रल के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे कि हम न्यूट्रल के लिए देखे तो यहाँ पे है द बुक्स ऑन द टेबल आर माइन, अभी आप मैंने अभी बोला कि जब नाउन का हम मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में चेंज करेंगे तो उसके अंदर के जो प्रोनाउन है उसमें भी हमें चेंज करना ही पड़ेगा। तो व्हेन अ नाउन चेंजेस फ्रॉम मैस्कुलाइन टू द फेमिनाइन, ओके,
जैसे कि, तो जब हम नाउन को मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में चेंज कर रहे होते हैं तब हमें प्रोनाउन इन द सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर के जो प्रोनाउन है उसमें भी चेंज करना ही होगा, है ना, टू यानी करना ही पड़ेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि द किंग वेंट इन टू द होल, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि नाउन के साथ साथ हमें